दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की फोटोशॉप के वीडियो में हम तीन टॉपिक है कवर करेंगे, ये इमेज के, ठीक है, ये डुप्लीकेट है, अप्लाई इमेज और कैलकुलेशन, ठीक है। आज के वीडियो में ये तीन टॉपिक कवर करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या होता है, मेरे पास एक इमेज है, ठीक है, इमेज में जब मैं डुप्लीकेट करता हूँ तो एक ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे आप ओके कर दीजिए, तो ये डुप्लीकेट इमेज आपके पास अभी बन चुके आ चुके हैं। ये ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट, ये इसलिए है क्योंकि आप ओरिजिनल इमेज पे कुछ काम नहीं करना चाहते हो, ठीक है, और डुप्लीकेट पे करना चाहते हो, ओरिजिनल इमेज आपकी ना बिगड़े, ठीक है, उसमें आपको एडिट करना पड़े, तो इसको आप क्लोज कर दीजिए और यहाँ पे डुप्लीकेट इमेज पे काम कर सकते हो। ओके, तो ये था डुप्लीकेट। उसके बाद आता है अप्लाई इमेज। तो अप्लाई इमेज का मतलब क्या होता है कि एक इमेज पे दूसरी इमेज को ब्लेंड करना, एक इमेज पे दूसरी इमेज को ब्लेंड करना, वो अप्लाई इमेज होता है। इस एक तरह से आप ब्लेंड ही बोल सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से फाइल में से प्लेस एम्बेड करके ये ले लेता हूँ माउंटेन, ठीक है, ये देखिए माउंटेन मैंने ले लिया है यहाँ से। ओके, माउंटेन मैंने भी ले लिया है, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, तो उसको आप कन्वर्ट टू लेयर्स भी कर सकते हो, रिट्रेस लेयर भी कर सकते हो। ओके, अब ये बन चुका है, इसका लोग हटा देता हूँ। अब यहाँ पे जाके करते हैं अप्लाई इमेज। अप्लाई इमेज से क्या होता है कि ये दोनों इमेज एक दूसरे में ब्लेंड हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे मर्ज है, ठीक है, और ये माउंटेन है और यहाँ पे लेयर जीरो है, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ से इमेज दोनों ये देखिए मिक्स हो चुकी है, ब्लेंड, ये देखिए, ये सभी ऑप्शन में आप देख सकते हैं, इमेज को ब्लेंड कर सकते हो। मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, ओपेसिटी बढ़ा सकते हो, बढ़ा सकते हो यहाँ से, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आप रख सकते हो, मास्क बनाना चाहो तो मास्क भी बना सकते हो, लेकिन अभी हमें मास्क नहीं बनाना है। ओके, और यहाँ से ये देखिए ये दोनों इमेज को ब्लेंड कर दिया आपस में, ठीक है। तो ये था अप्लाई इमेज, और इसको आप करते हैं क्लोज, ठीक है। इसके बाद ये फोटो है ले लेते हैं। ओके, ये फोटो ले लिया है, और तीसरा ऑप्शन था कैलकुलेशन। कैलकुलेशन से क्या होता है कि ड्रामेटिक इमेज जो बनानी है, ब्लैक एंड व्हाइट ड्रामेटिक इमेज है वो बनानी है, तो कैसे बनाते हैं, चलिए मैं दिखाता हूँ ड्रामेटिक इमेज कैसे बनाता है। ये सिर्फ ब्लैक रहेगा, लेकिन ये है जो इसका फेस हो वो व्हाइट हो जाएगी। चलिए कैलकुलेशन क्लिक करते हैं। ये देखिए सोर्स वन है और सोर्स टू है और यहाँ पे ब्लेंडिंग है। सोर्स वन इसलिए है क्योंकि सोर्स वन में आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो, और सोर्स टू में उसके चेंजेस जो ओवरराइट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। चलिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे रेड पे आप चले गए, यहाँ पे चैनल रेड रख के ग्रीन रख देता हूँ, ठीक है, दूसरे वाले में मैं ग्रीन करूंगा तो उस पर ओवरराइट हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है। यहाँ से आप ब्लू रख सकते हो उसमें, ठीक है, रेड रख सकते हो, यहाँ से आप ब्लू कर सकते हो। ओके, यहाँ से सेट करके आपको जैसे इमेज चाहिए वैसे मिल जाएगी, तो मैं तो यहाँ से ग्रीन ही रखूंगा और यहाँ पे जाके ब्लू कर देते हैं, ठीक है, ऐसे कर देंगे। और ओपेसिटी आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ठीक है, ये देखिए। ओके, मास्क भी आप बना सकते हो यहाँ से। ओके, अब यहाँ पे इन्वर्ट करना चाहो तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से, ये देखिए, ठीक है, अब यहाँ से इन्वर्ट निकाल देता हूँ, तो ये देखिए ऐसी इमेज आ जाएगी, फोकस सिर्फ फेस पे रहेगा। अब यहाँ से रिजल्ट क्या करना है, रिजल्ट को आपको न्यू डॉक्यूमेंट भी बना सकते हो, न्यू चैनल भी बना सकते हो, जो भी बनाना चाहते हो बना सकते हो। अगर मैं चैनल बनाता हूँ, ठीक है, तो ये चैनल बन जाएगा, ओके करूंगा तो ये चैनल बन के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए चैनल पे ये नया आ गया है अल्फा, ठीक है, तो अगर इसको मैं कंट्रोल ए करता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ तो अपने लेयर पे एक लेयर कर देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये लेयर तो ट्रांसपेरेंट लेयर, उस पर पेस्ट कर देता हूँ, तो ये देखिए इमेज ऐसी थी, ठीक है, ये इमेज ओरिजिनल है, ये हमने क्रिएट की है। तो यहाँ पे आप ऐसे इमेज भी बना सकते हो, इसको ड्रामेटिक इमेज बोलते हैं, कैलकुलेशन से कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक ले बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, जय हिंद।